नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा बरामदा डिज़ाइन दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इस बरामदे की बाहर की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डायमेंशन आपसे शेयर करेंगे और उसके बाद इस बरामदे के अंदर हम आपको ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस बरामदे की अंदर की डायमेंशन क्या कुछ है। तो सबसे पहले यदि हम इस बरामदे की टोटल लंबाई की बात करें तो 37 फीट है, यानी कि 37 फीट है। और बरामदे के इस साइड आप देख सकते हैं एक रूम दिया गया है। यदि हम इस रूम के साइज की बात करें तो 12 फीट बाई 12 फीट है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 12 फीट है। और इस रूम में एक विंडो दी गई है, विंडो की प्लिंथ बीम से जो हाइट है 2 फीट 6 इंच है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 फीट 6 इंच है। और यदि हम इस विंडो के साइज की बात करें तो 4 फीट बाई 5 फीट है, कुछ इस तरह से 4 फीट है। और यदि हम हाइट में बात करें तो 5 फीट है। सो यदि आप घर के फ्रंट भाग में विंडो लगाने की सोच रहे हैं तो इस मॉडल का और इस साइज का विंडो लगा सकते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। आप देख सकते हैं यह विंडो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। यदि फ्रंट में आप लगाने की सोच रहे हैं तो इस विंडो के बारे में ज़रूर से ज़रूर सोच लीजिएगा। और यदि हम इस टोटल वाल यानी कि दीवाल के हाइट की बात करें तो यह जो वाल है प्लिंथ बीम से लेकर टॉप तक 11 फीट है। तो ये तो बात हो गई रूम की, चलिए देखते हैं कि बरामदे को किस तरह से बनाया गया। तो रूम को कुछ इस तरीके से 12 फीट बनाने के बाद 4 फीट जो है बरामदे को रूम से बाहर निकाल लिया गया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रूम के बिल्कुल सामने से 4 फीट बरामदे को बाहर की तरफ निकाल लिया गया। ठीक है, रूम से बरामदे को 4 फीट बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, बरामदे की जो टोटल लंबाई है वो 13 फीट है, यानी कि 13 फीट है। तो यदि आपको ये मॉडल अच्छा लग रहा है तो आप इसके साइज को 13 फीट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 13 फीट कर सकते हैं। 13 फीट रखने के बाद कुछ इस तरीके का मॉडल आप बना सकते हैं, ठीक है, जो कि दिखने में काफ़ी बड़ा भी है और खूबसूरत भी है। बरामदे को खूबसूरत बनाने के लिए बरामदे के दोनों कॉर्नर पर जो मेन पिलर हैं इनको सर्कुलर दिया गया है, यानी कि गोल पिलर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये आपका पहला गोल पिलर है और ये दूसरा गोल पिलर है। पिलर के यदि हम साइज की बात करें तो 9 इंची डाए का है, दोनों पिलर 9 इंची डाए के हैं, ठीक है। और प्लिंथ बीम से यदि हम दोनों पिलर के हाइट की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 7 फीट है। 7 फीट तक पिलर बनाने के बाद आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी POP की डिज़ाइन की गई है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। तो 7 फीट पिलर देकर आप कुछ इस तरीके की डिज़ाइन करा सकते हैं। 7 फीट तक पिलर बनाने के बाद 6 इंच की कॉर्निस दी गई और कॉर्निस बनाने के बाद 3 फीट 6 इंच की दीवार ऊपर बना दी गई। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दीवार की जो हाइट है वो 3 फीट 6 इंच है। तो यहाँ पर बरामदे के एक सेक्शन की पूरी इन्फॉर्मेशन एंड होती है। तो चलिए हम आपको बरामदे के दूसरे सेक्शन की फुल इन्फॉर्मेशन पर लिए चलते हैं। तो यहाँ तक बरामदे को बनाने के बाद यहीं से बरामदे को 4 फीट पीछे की तरफ ले जाया गया। 4 फीट तक बरामदे को पीछे ले जाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का बरामदे का दूसरा सेक्शन बनाया गया। और यदि हम इस पूरे सेक्शन की लंबाई की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 फीट 6 इंच है। आप देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 10 फीट 6 इंच है। और प्लिंथ बीम का जो साइज है 9 इंची बाई 9 इंची है। और यदि हम कॉलम की हाइट की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कॉलम की हाइट है, प्लिंथ बीम से जो कॉलम की हाइट है वो 7 फीट है। 7 फीट कॉलम बनाने के बाद कॉलम के बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं 6 इंची की एक कॉर्निश डिज़ाइन बनाई गई। कॉर्निश डिज़ाइन बनाने के बाद 3 फीट 6 इंच की वाल उठाई गई, ठीक है। तो इस बरामदे के बाहर की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर कर दी है। चलिए अब हम आपको बरामदे के अंदर लिए चलते हैं। बरामदे के अंदर आने के बाद सबसे पहले हम इस रूम में चलेंगे और इस रूम में सबसे पहले आपको एक विंडो दिख जाएगी
और विंडो के जस्ट बगल इस रूम में प्रवेश करने के लिए, इस रूम में इंटर करने के लिए एक डोर दिया गया है। यदि हम इस डोर के साइज की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 3 फीट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 6 फीट 6 इंच है। और डोर के ऊपर आप देख सकते हैं एक डिज़ाइन बनी हुई है जो कि 1 फीट में है, ठीक है। तो चलिए इस दरवाजे से हम रूम के अंदर प्रवेश करते हैं। रूम में आने के बाद आप देख सकते हैं यह विंडो आपको अंदर से कुछ इस तरीके से दिखेगी, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत दिख रही है। तो चलिए हम रूम के साइज की बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा रूम है 12 फीट बाई 12 फीट का है। रूम की यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है 12 फीट है। आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक रूम की जो डिस्टेंस है 12 फीट है, और इसी तरह से इस तरफ भी आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है 12 फीट है। तो ये तो रूम की बात हो गई, चलिए बरामदे की बात कर लेते हैं। एक रूम बनाने के बाद जितनी भी आपको यहाँ पे जगह दिख रही है, ये पूरा बरामदा है। इस छोर से लेकर टोटल उस छोर तक आप देख सकते हैं, पूरा उस छोर तक बरामदा ही बरामदा है, ठीक है। तो इस बरामदा डिज़ाइन की मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दी है। यदि आप घर के बरामदे के लिए यह डिज़ाइन बनाना चाहते हो, तो आप अपने मिस्त्री को, जिस मिस्त्री से आप घर बनवाने वाले हो, उसे यह पूरा वीडियो दिखा दीजिए। आपका मिस्त्री आपको इसी तरह का बरामदा डिज़ाइन करके दे देगा। और वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।